पूरा मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और थोड़ा सा नीचे कर लो इसको यार, इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है ना कोई नहीं। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे नहीं थे सरकार के पास मेरा। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं हो जा करनी है, ये अधिकारी कह रहे हैं, वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना, चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला, कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। फिर हमने चर्चा की रात के 4 बजे 5 बजे तक चर्चा की शाम को हमने, और ये पाया कि जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं ना बजट है, शिक्षा संस्थान खोले ना उनमें टीचर है ना बच्चे हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं थी, इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता है और जहां नीड बेस पर होगा, जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा उसको द्वार खोलने पर विचार किया जा सकता है। एक बार भर्तियों में घोटाला हुआ है तो क्या हम घोटालों को देखते रहे, इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया है। इसलिए उनको ट्वीट करने का अधिकार तो तब था कि उन्होंने उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया होता संस्थान में, बजट में, और जो शिक्षा संस्थान खोलने तो वहाँ टीचर उपलब्ध करवाए होते।